हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्राउट मूंग। आप सबको पता ही है कि स्प्राउट मूंग कितने हेल्दी है हमारे शरीर के लिए। इसमें बहुत सारा प्रोटीन एंड फाइबर होता है, तो इससे खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हम एक ही दिन में इसे कैसे बना सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने छोटे वाले जो अखा मूंग आते हैं 1 कप लिए हैं। इसे 2-3 बार साफ पानी से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है। इसे हम पानी में सोख करके रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। तो 5 से 6 घंटे के बाद ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। इस तरह से आप चेक करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये नरम हो चुके हैं। अब हम इसे फिर से 3-4 बार पानी से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर बड़ी वाली छन्नी रखी है, उसके ऊपर ये कॉटन का कपड़ा रखा है। ये कॉटन का कपड़ा मैंने गीला लिया है। आप यहाँ पे मलमल का कपड़ा हो आपके पास तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें हमने जो मूंग भिगोए हुए थे वो डाल दिए हैं और इसे हम कवर कर लेंगे रुमाल की मदद से। अब हमें क्या करना है कि ये जो रुमाल है उसके ऊपर 2-3 चम्मच जितना फिर से पानी हमें इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि जो मूंग है उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा और इसे स्प्राउट होने में मदद मिलेगी। तो एक ही दिन में हमारी ये स्प्राउट मूंग रेडी हो जाते हैं। आप इस तरह से इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपके जल्दी बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जब रुमाल हमारा सूख जाए उसमें पानी, तब उसके ऊपर थोड़ा सा 3-4 बड़े चम्मच पानी हमें डाल देना है। इससे क्या होगा कि मूंग में थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। उसी टाइम आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े स्प्राउट होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो पानी डालने के बाद फिर से हम इसे कवर कर देंगे और छोड़ देंगे। तो अब बस आप देखेंगे कि आपके स्प्राउट इसी तरह से बनाओगे तो एक ही दिन में बहुत बहुत अच्छे वाले स्प्राउटेड मूंग ये रेडी हो जाएंगे। तो बस एकदम इजी है, इस तरह से आप ज़रूर बनाना। और बहुत अच्छे स्प्राउट होते हैं ये मूंग, और आपको पता ही है कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप इसे जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हो या लंच के पहले भी खा सकते हो। आप इसे शाम को नहीं खा सकते हो क्योंकि आपके डाइजेस्ट होने में ये बहुत सारा प्रॉब्लम करेगा। ये आपके हार्ट के लिए, आँखों के लिए, अपनी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है। तो आप इसे ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो। ये बहुत ही वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस इसमें होता है, तो आप इसे ज़रूर इस तरह से बनाइए। और वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।